गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर भविष्य आइडेंटिफिकेशन गागेगी, परफेक्ट परफेक्ट फॉर्म के लिए आइडेंटिफिकेशन चुका चुकी चुके, ठीक है, दोनों में आइडेंटिफिकेशन क्लियर है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिंपल है, फर्स्ट हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट सिंपल। आइडेंटिफिकेशन बता दी, अब इसमें क्या होगा देखिए, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे या चुका होऊंगा, मैं मेरे लिए आएगा, तो ठीक है। परफेक्ट की चुका और फ्यूचर की होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आइडेंटिफिकेशन क्लियर है। नाउ पैटर्न, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। फ्यूचर टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल शैल होगी, आई और वी के साथ शैल, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल। उसके बाद इसमें हैव आता है, जैसे कंटीन्यूअस में हम बी ऐड करते हैं और वर्ब में फिर आई एन जी ऐड कर देते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म के लिए। कॉन्टिन्यूस आते दिमाग में क्या आता है कि वर्ब में हमें आई एन जी ऐड करना है, और हिंदी में आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है रहा रही रहे, है ना। ऐसे ही परफेक्ट का ध्यान आना चाहिए, परफेक्ट में आइडेंटिफिकेशन चुका चुकी चुकी होगा और फ्यूचर है तो होगा होगी होगी हो जाएगा। और इसमें हम हैव ऐड करते हैं, कॉन्टिन्यूस में बी ऐड करते हैं, इसमें हैव ऐड करते हैं, और लास्ट में मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज अ हेड के साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये रूल हमने पढ़ा है, एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर, पैटर्न क्लियर है। नाउ इसी पैटर्न से एक एग्जांपल हिंदी में, फिर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। इस टेंस में ये ध्यान रखना है हमें, नोट में मैंने आपको लिखवाया हुआ है, नोट्स में एक नोट करके लिखवाया है कि इस टेंस में हमेशा टाइम, कहीं ना कहीं टाइम ज़रूर आता है, टाइम का मेंशन ज़रूर होता है, जैसे सोमवार से, 4 बजे से, 2019 से, है ना, कोई भी टाइम से रिलेटेड वर्ड ज़रूर आता है इसमें। इसमें देख लेते हैं, जैसे मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुका हूँगा, सोमवार आ गया मंडे, तो ये टाइम को शो कर रहा है। ओके, तो ऐसे वर्ड टाइम को शो करने वाले, टाइम मेंशन करने वाले वर्ड इसमें ज़रूर आते हैं। चुका होऊंगा आ गया, परफेक्ट हो गया चुका से, और होऊंगा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ओके, अब इसको पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब शैल आती है, आई शैल, उसके बाद हैव, हैव के साथ वर्ब खत्म कर चुका, समाप्त कर चुका होऊंगा, खत्म करने की क्या होती है, समाप्त करने की, फिनिश, और हमें थर्ड फॉर्म चाहिए फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड क्या, यह है कहानी, दिस स्टोरी, कब तक, सोमवार तक, जब ऐसे आ जाता है ना तक, कोई टाइम आया हुआ उस तक, सोमवार तक, 2 बजे तक, कल तक, 2021 तक, तो इस ऐसे के लिए हम लिखते हैं बाय वाला, बाय मंडे, सोमवार तक आ गया मीन्स बाय मंडे, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी बाय मंडे। अगर आ जाता नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ आ जाता है यहाँ, ओके, अगले महीने तक। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव। अब नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया तो माइंड में क्या आएगा, नॉट वाला है, ना, नहीं, कभी नहीं, मतलब ऐसा वर्ड यूज होगा जो कि नेगेटिविटी शो करता है। ओके, सेम वही है, फ्यूचर है तो गागेगी, होगा होगी होगे, परफेक्ट है तो चुका चुकी चुके, और नेगेटिव आ गया तो नॉट आ जाएगा। सिंपल, नॉट हमें कहाँ लगाना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, बट यहाँ हैव भी है, तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना। यहाँ देखिए इसके पैटर्न में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पैटर्न हो गया। नाउ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके पिताजी के आने से पहले वह घर नहीं पहुंच चुकी होगी। अब यहाँ पर हमें क्या, मैंने अभी क्या बताया था कि ऐसे इन सेंटेंसेस में टाइम ज़रूर शो होता है, ऐसे वर्ड ज़रूर शो होते हैं जो टाइम को शो कर रहे हो, तो यहाँ पर टाइम कहाँ आया, उसके पिताजी के आने से पहले, यही टाइम को शो कर रहा है कि जब उसके पिताजी आए, उस उनके आने से पहले, तो यही चीज़ टाइम को शो कर रही है, वह घर नहीं पहुँच चुकी होगी। She will not have reached the house, नहीं पहुँच चुकी होगी, है ना, She will not have reached the house before her father comes। अब यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ तक तो था कि सोमवार तक, और यहाँ पर क्या था, उसके पिताजी के आने से पहले, तो यहाँ पर हो गया बिफोर हर फादर कम्स। सेंटेंस ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बिफोर जो है एक कंजंक्शन का वर्क कर रहा है, ठीक है, ये कंजंक्शन वाले सेंटेंसेस हैं। कंजंक्शन में क्या होता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर एक सेंटेंस में तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल नॉट हैव रीच्ड, और दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल है। क्लियर, तो
दोनों सेंटेंसेस क्लियर है, क्योंकि ये बिफोर जो है कंजंक्शन का वर्क कर रहा है, तो दो सेंटेंसेस आ गए हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। एक सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और दूसरे में सिंपल है, विद सिंपल। ओके क्लियर, इनफ फॉर टुडे, रिवाइज द टॉपिक।